How is that possible? Yeah? Could Uttar Nimi as a sister? I personally believe so. Hey, we have some beautiful weather here. Yeah, it's wonderful. In fact, जी मैं दो ढाई हफ्ते पहले ही आया था यहाँ पर एक फुटबॉल गेम खेलने. शायद पहली बारिश हुई थी उस दिन. तो बहुत यहाँ की प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं. पूरा बहुत ही खूबसूरत शहर है. All right, one question about जी ये भी कहना चाहिए. जी 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 बहुत खुश हूँ यहाँ आके. बहुत खूबसूरत जगह है और मैं बहुत बार आ चुकी हूँ पूना फैमिली के साथ और जब भी आती बहुत मजा आता. Yeah, I mean, you know, Pune just has that vibe, na, ki yaar family and all. It's just how the city is. By the way, main actually yahan Radio Mirchi se hoon. We are very happy to be the official radio partners for Dhadake movie. Sare gaane aapke hum itne baja rahe hain, I cannot tell you how much. And kal aapka song Pehli Baar has come out, one of our favorites again. What do you have to say about this song, Pehli Baar? Well, first of all, I would say ki bahut hi khoobsurat melody hai. पहले हम सब सुन ही चुके हैं आप सब, खास करके याद लग गया कि जो मेलोडी है बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है. और शायद ये इस फिल्म की जो फीलिंग है, जो एहसास है, जो प्यार है, पहला प्यार, वो बयां करती है. और हमारी फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी गाना है ये. और याद लागला मेरा सबसे पसंदीदा गाना था सैराट में से. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू शेयर दिस विद यू. और हाँ इतना ही कहना, बहुत खूबसूरत गाना है. जी मेरे में यही थॉट्स है, बहुत खूबसूरत गाना है और इससे शूट करते वक्त भी हमें बहुत मज़ा आया. एक्चुअली मज़ा आया और टेंशन भी बहुत हुई क्योंकि शूटिंग थोड़ी सी मुश्किल थी. गाने में ये एक तालाब में कूद जाते हैं और वो तालाब में बहुत सारे सांप थे और 30 फीट की शायद ऊँचाई थी. हाँ जी 25 फीट की ऊँचाई थी और फिर तालाब भी 80 फीट डीप था. जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शूट था. बहुत सारे अच्छे मेमोरीज है इस गाने को लेकर. और जी आई होप कि आप सबको ये गाना पसंद आए. बहुत ज़्यादा. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी. नाउ सबसे पहले आप पुणे नगर में आए, पुणे में आए जी. पुणे और कोल्हापुर पत्रकार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं. दूसरा सवाल ये कि ये पहला सवाल थोड़ी माफ कीजिए सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. थोड़ी आवाज़ हम कम कर लेते हैं, उनकी बात सुन पाए. ये मैंने नहीं किया था. ये फिल्म सैराट के ऊपर है तो ये फिल्म सैराट की सेम टू सेम कॉपी है या कुछ चेंजेस के? सर ये सैराट की कहानी पे आधारित है. इसे ऑफिशियल अडेप्टेशन कहलाया जा रहा है. ये एक रीमेक नहीं है, कॉपी नहीं है. अपने आप में एक फिल्म है. जिन दर्शकों ने सैराट देखी और सैराट का मज़ा लिया है उनके लिए भी इस फिल्म में कुछ नया देखने को मिलेगा. लेकिन हाँ कहानी उस पर आधारित है, उससे इंस्पायर्ड है. लेकिन राजस्थान में बेस की गई है. वहाँ के किरदार वहाँ से हैं, जज्बात वहाँ के हैं, अलग हैं. मोमेंट्स इस फिल्म में नए हैं कई सारे. तो मैं कहूँगा कि एक अडेप्टेशन है और रीमेक है. जी तो दो गाने इस फिल्म में जो है झिंगाट और पहली बार जो यार्ड लागला का अडेप्टेशन है वो सैराट से लिए गए हैं. और क्योंकि ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है इसका मतलब ये है कि हमने राइट्स लेके इस फिल्म को बनाया है. तो जो दोनों गाने इसमें रखे गए हैं वो ऑफिशियल अडेप्टेशन है और अजय कुल साहब ने खुद म्यूजिक लिखा है. आपने मराठी जी सर मराठी में ही है सर. तो मराठी में बात कर सकते हैं जी. नहीं सर अच्छा ये कुछ कहना चाहेंगे मराठी में? मैं एक चीज सीख के आई थी क्योंकि शायद कोई दिन बात मराठी बोलो ना. एक दिन मैं डांस सोई तो देने दीजिए. मैंने एक लाइन में एक लाइन सीख के आई थी क्योंकि कोई दिन बाद हम शायद मराठी शो पे जाने वाले हैं. तो मेरे चेला ने मुझे बोला कि माला तुम चार शो खूब आदर. हाय जो माय क्वेश्चन इज टू यू. फर्स्टली वेलकम टू पुणे एंड लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल and congratulations from Mumbai TV. The question is that you have played a very beautiful bold character of Arthuri. So, kya aapki real life personality us character se alag hai? Was it challenging for you? Ji, real life mein main Arthuri se bahut hi alag hu. But
लेकिन इस किरदार को निभा के मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भारती से, भारती के कहानी से. वो एक्चुअली मुझे हमेशा से लगता था कि भारती मेरी बहन जैसी है. खुशी खुशी और भारती में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं, और एक्चुअली मुझे ऐसे भी लगता है कि ईशान और भारती के पर्सनैलिटीज में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं. लेकिन इस किरदार और इस फिल्म को कंप्लीट करते वक्त वर्क करने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा उसके जर्नी से. तो हाँ, लेकिन हम बहुत अलग हैं, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है. वो उदयपुर की है, मैं बॉम्बे की हूँ. वो एक अलग एक राष्ट्रीय परिवार से है वो, और उसकी परवरिश बिल्कुल अलग है. तो लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ऐसे किरदार को निभा, मुझे बहुत कुछ सीखा. ये फिल्म करने से पहले आपने सैरा देखी थी क्या? जी हाँ, दो बार देखी थी सर. मेरे ख्याल से हम तीनों ने, जिसका मतलब है कि मैंने, जानवी ने और शशांक खेतान जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, हम सब ने दो बार देखी थी. और पहली बार हम सब ने अलग अलग देखी थी. और आई थिंक इस फिल्म की शुरुआत से पहले शशांक ने हमसे कहा था कि अब हम ये फिल्म देखना रोक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उसका छाया या फिर इन्फ्लुएंस इस फिल्म पे आए. हालांकि कहानी उस पर आधारित है, जैसे कि मैंने कहा ये अलग फिल्म है, किरदार अलग है. वो चाहते थे कि हम अपना नज़रिया दिखाएं इस फिल्म के लिए. सॉरी सर, हेलो, आप सैराट के कलाकारों से मिले क्या? वर्षा और आर्ची से, दोनों से? सब यानी कि आकाश दूसरा और नहीं, अब तक उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई है. काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं, और हम उनका काम बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेरणा लिए उनसे. इन जनरल अगर सैराट से हमारा कोई रिश्ता ना भी होता तो शायद हम दोनों की बहुत पसंदीदा फिल्म रहती. तो अब तक तो मौका नहीं मिला है उनसे मिलने का, लेकिन आगे जाकर उम्मीद करता हूँ कि मिलेगा. आपको ये नहीं लगता है, आपको ये नहीं लगता है कि, हेलो, आपको ये नहीं लगता है कि आपने किसी फिल्म की रिमेक की है, बराबर? सो आपको उनके साथ कंपेयर किया जाएगा. Because this is your first film, isn't it? आपकी ये first film है, you should be launching yourself in a different role. But this will be comparing with Marathi film and this thing, and Hindi film. So what do you feel that? Did you got the question? जी, एक्चुअली शूटिंग के दौरान तो हमने कभी इस बात के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि जब हमें स्क्रिप्ट मिली थी तो it was very clear कि हमारे किरदार आर्ची और वर्षा से बहुत अलग थे. लेकिन I'm sure all of you all after watching Sairat, तो ऐसे आर्ची और वर्षा के कैरेक्टर से बहुत अटैचमेंट हुई थी, और हमारे लिए भी सेम था, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरती से अपने किरदारों को निभाया है. और आई थिंक हम दोनों उनके काम के बहुत बड़े फैन हैं. लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने हमारे कैरेक्टर्स को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स बहुत ही अलग हैं. और रही बात तुलना की तो वो तो होगी, लेकिन आई थिंक वन थिंग दैट स्टूड आउट इन सैराट इज दैट वो मूवी बहुत ऑनेस्टी से बनाई गई थी, और सबका काम बहुत ही जेन्युइन था. ऐसे लग रहा था कि हर एक्टर ने एक्चुअली उनके किरदार के जज्बात को जिया है. तो हम भी, हमारी कोशिश भी वही थी कि हम एक्चुअली में हर मोमेंट जिए और ईमानदारी से काम करें, और एक ऑनेस्ट फिल्म बनाने की कोशिश की है हमने. तो हाँ, बस यही कह सकती हूँ मैं कॉन्फिडेंस से कि एक ऑनेस्ट फिल्म बनाई है हमने. अभी कोई लोगों को सैराट ज़्यादा पसंद आएगी, कोई लोगों को धड़क ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें एक मौका दीजिए. सैराट महाराष्ट्र में बेस्ड है और धड़क राजस्थान में. तो हमारे किरदार बहुत अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, लैंग्वेज अलग है, और हमारी कैरेक्टर्स की परवरिश भी अलग है. तो उनके चॉइसेस बहुत अलग होंगे. और स्टोरी लाइन
सेम है क्योंकि एक अडेप्टेशन है, लेकिन मोमेंट्स अलग है और इस फिल्म की सजावट भी बहुत ही अलग है। लाइट चली गई आपके लिए शगुन है, क्या ज्यादा लाइट लाइट में आएगी जी? लाइट 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 ज़्यादा चली गई ना, आपके लिए शगुन है। थैंक यू सर, बस आपकी दुआएं। बेचारे लाइट की किस्मत खराब थी। करना चाहूँगी अगर कहानी अच्छी हो और अगर अच्छा और मौका मिले, लेकिन पहले मैं अपने आप को धड़क में साबित करना चाहती हूँ, फिर अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आए तो मुझे मराठी फिल्में देखना चाहिए, आपको ज़रूर मैं काम करना चाहूँगी। गाइस टू मोर क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, अगर ऐसा मौका आया और अगर कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अगर निर्देशक चाहें कि मैं उसमें अभिनय करूँ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मराठी जबान सीखनी पड़ेगी और काफ़ी वक्त बिताना पड़ेगा और प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं खुशी से करूँगा अगर मौका मिले तो। जी आप दोनों बॉलीवुड फैमिली से, तो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि आपने जो इनकी माँ है श्रीदेवी, उन्होंने जो सक्सेस लिया क्या उसका डर रिएक्शन क्या था फॉर दिस फिल्म? मम्मी का रिएक्शन क्या था? उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो बहुत खुश थी, लेकिन एक्चुअली मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप लोग खुद मूवी देखें और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे काम के बारे में। मेरी माँ है तो उनकी राय तो मतलब अगर मैं बोलूँगी तो ऐसे लगेगा कि मैं खुद के लिए ढंडोरा पीट रही हूँ, तो आप प्लीज़ जाके फिल्म देखिए और फिर आप लोग मुझे बताइए। All right, so with that, if anyone has any questions, are we going to shoot the info? All right, so should we do some pictures now? Hena? Solos, should we go for solos? All right, so photos are bahar karenge, so Jaggi and Ishan ke saath mein pehle karwane hain. All right, so can we have you both? Thank you, bahut bahut shukriya aap sabka.